तो आज हम पढ़ते हैं प्लेन की एक नई फॉर्म जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन की पढ़ाने से पहले मैं लाइन की फॉर्म पढ़ाना पसंद करता हूँ। चलिए हेडिंग डालें इंटरसेप्ट फॉर्म, थोड़ा साइड वाले क्वालिटी कर देते हैं। तो लाइन में हमने ये पढ़ा था तो बेटा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये लाइन है। अगर ये ए इंटरसेप्ट बनाए और ये बी इंटरसेप्ट, समझ में आ रहे हैं? हाँ, ये हमने 11th में पढ़ा है। जब लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पर काटती है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा जीरो। हाँ, और वाई एक्सेस में 0,B। दो पॉइंट आपके पास हैं, अब आप दो पॉइंट से जाने वाली ये ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बी। तो लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन टाइम्स x2 - x1 टाइम्स, ये तो x-x1। तो वाई माइनस वाई वन जीरो है, वाई टू बी है और एक्स टू जीरो है, एक्स ए है, एक्स वन ए है। तो माइनस ए उधर ले जाते, माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, डिवाइड कर दो ए बी से तो एक्स अपॉन ए प्लस y+(b) = वन। बिल्कुल इसी का रेप्लिकेशन है। लाइन ने अगर ए और बी इंटरसेप्ट बनाए तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म ये है। अगर ये नेगेटिव साइड बनाते तो ए की जो माइनस ए बी की जो माइनस बी आ जाता अपने आप। अब ऐसे ही अगर थ्री डी में सोचे हम ये सपोज, ठीक है, और सपोज मेरे पास कोई प्लेन है, चलो अब इतना ही सही, प्लेन ऐसा है, थोड़ा सा बनाने में हो जा रहा है, कोई बात नहीं। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है, और ये जो प्लेन है ये एबीसी है, ठीक है। प्लेन के द्वारा जो इंटरसेप्ट काटे गए हैं एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट मतलब ओए दूरी वो ए है, वाई एक्सिस में बी है और जेड एक्सिस में स्मॉल सी है। तो हमें यह प्रूव करना है कि प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन होगी। ये आप मत लिखो अभी, मैं वैसे समझा रहा हूं ताकि आपको लगे यार वही तो है लाइन का जो 2D में था, एक और बढ़ गया बस। क्लियर हुआ? निकालने का तरीके क्या रहेगा? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 0,0, बी के होंगे 0,B,0 और सी के होंगे 0,0,C। ठीक, तो मेरे पास तीन पॉइंट हैं तो प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। कल हाँ पढ़ा तो था हमने, हाँ तो तीन पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन अगर पूछेंगे तो वह हो गया, आप निकाल लो जैसे निकालना है। तीन आसान पॉइंट है, ये भी कितना आसान दे रखा है, ए जीरो 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 बी जीरो और जीरो जीरो से। तो तीन इक्वेशन तीन पॉइंट से कैसे बनती हैं, फिर उनको कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे डिटरमिनेंट से बनाओ चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। हाँ, ओके तो आंसर क्या आना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। तो ये इंटरसेप्ट ठीक। फॉर्म है, क्लियर है ना? हाँ हाँ, तो इक्वेशन जो आपकी अगली एक्सरसाइज है उसमें सारे सवाल इंटरसेप्ट फॉर्म पे हैं, ठीक है। हाँ इसमें एक आध सवाल ऐसा है जो थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है, तो मैं वो बता देता हूँ जिसमें मैं कहूंगा कि आंसर नहीं देखना है, सोचना है ताकि एंजॉय कर सके। हमें करना है क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ। अ प्लेन मीट्स, ये काफी अच्छा सवाल माना जाता है।
प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन कैपिटल एबीसी, कैपिटल एबीसी हमारे पॉइंट्स हैं सस्ते। द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज पी क्यू आर। Find the equation of plane. Find the equation of plane. ये पूछा गया है और ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी, किसी एग्जाम के लिए भी अच्छा सवाल। ठीक है, इस सवाल को ध्यान में रखते हुए ही मैंने पहले वाला डायग्राम बनाया। देखो तो सही लिखा है पहली लाइन। मैं समझ गई ये वाला कैसे करना है। ठीक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तुम्हारे हिसाब से A00, B00, 00C से जा रहा है, हाँ तो तुमने पहले से निकाल लेनी है वही x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। अब ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड समझ रहे हो ना, हाँ मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ज्योमेट्रिकली, हाँ तो ये A00, A0B0 दोबारा तोड़ तोड़ के फिर समझा दो एग्जामिनर को। ये सेंट्रोइड है, मान लो जी है, क्यू आर। तो हम ये जानते हैं भाई कि पी मतलब होता है ए प्लस जीरो प्लस जीरो अपॉन थ्री, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री। ये तो था सेंट्रोइड का, हाँ तो सेंटर ऑफ मास भी कहते थे हम लोग, सेंटर ऑफ इनर्सिया। तो ए इक्वल टू थ्री पी, ऐसे बी इक्वल टू थ्री क्यू आ जाएगा, सी इक्वल टू थ्री आर आ यार, जाएगा। आपने उससे पहले एक क्वेश्चन ये निकाली होगी, एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन। अब एबीसी आपने अपने मन से माने थे ना, हाँ तो अब एबीसी की वैल्यू पता हो गई आपको पी क्यू आर के फॉर्म में। अब पी क्यू आर दिया हुआ है सवाल में, तो पी क्यू आर में आंसर आ हाँ सकता है, बस एबीसी की वैल्यू रख दो, हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं बस, फिर ये एक्सरसाइज हो जाती है। वो क्वेश्चन थोड़ा सोचने लायक है, छोटा सा 2 लाइन या 3 लाइन का सवाल है, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर करता है। लिखना, अ वेरिएबल प्लेन, अ वेरिएबल प्लेन, वेरिएबल का मतलब प्लेन की पोजीशन बदलते रह सकती है। जैसे यीशु एक गत्ता हाथ में ले कहीं को भी घुमाता रही है, वो है तो प्लेन ही, लेकिन वो कैसा प्लेन हुआ फिर। वो वेरिएबल हो गया क्योंकि उसकी पोजीशन तो कंटिन्यूअसली बदल रही है। हाँ बस, अ वेरिएबल प्लेन मूव्स इन सच अ वे, और कैसे बदल रही है ये बताया गया है। अ वेरिएबल प्लेन मूव्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑन द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉन्स्टेंट।
प्रूव दैट। द प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ये प्रूव करना है। तो बहुत छोटा सवाल है, थोड़ा सोचो ध्यान से। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी एक्स अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन. सो इंटरसेप्ट्स आर ए बी सी ठीक। सवाल में क्या डाल ओके. दिया है? वो ये जो इंटरसेप्ट है इनके जो रेसिप्रोकल है उनका सम है वो कांस्टेंट है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या मान लें, लैम्डा मान लें, ठीक है. तो फिर वन अपॉन लैम्डा ए प्लस वन अपॉन लैम्डा बी वन अपॉन लैम्डा सी कितना देगा? वन वन अपॉन लैम्डा अपॉन ए प्लस वन अपॉन लैम्डा अपॉन बी प्लस वन अपॉन लैम्डा अपॉन सी इक्वल टू वन, ऐसा कर दूं? हाँ ठीक है. तो इक्वेशन वन में अगर एक्स वाई जेड की जो मैंने वन अपॉन लैम्डा रख दिया होगा तो इक्वेशन टू आती। हाँ मतलब प्लेन कहां से पास हो रहा फिर? वन अपॉन लैम्डा से यहां से पास हो रहा है ना, तभी सेटिस्फाई हो रहा होगा। हाँ. लेकिन बेटा लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो वन अपॉन लैम्डा भी कॉन्स्टेंट ही होगा, वन अपॉन लैम्डा भी नहीं बदलेगा, तो ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा ना फिर। एट ये हो गया प्रूफ फिर। कितना अच्छा सवाल है, लेकिन लोग लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते। ये सबसे अच्छे सवाल है, से रिलेटेड। और मैं दे दूं टेस्ट में तो बच्चों को ये समझ नहीं आएगा करना क्या है इसमें। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा है. तो यहां तक आज ये दो एक्सरसाइज अगर हो जाएं तो मैं शाम के टाइम पे आज ही वेक्टर फॉर्म में स्टार्ट कर दूं फिर प्लेन को। अभी तक हम प्लेन ठीक. कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ रहे हैं, फिर जो बहुत सारा सिलेबस है तो थोड़ा स्पीड बढ़ानी है। तो आज ये मुझे लगता है 11 बजे तक हो जाना चाहिए, ठीक है? मुझे हाँ बताओ, चलो फिर करेंगे।